एक नौजवान अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते हुए पतंग की डोरी को छोड़ता गया, पतंग दूर चलती गई। कहते पतंग जंगल की तरफ चली गई। जंगल की तरफ जब पतंग गई तो डोरी टूट गई और पतंग जाकर के जंगल में एक साधु की कुटिया के आगे गिरी। साधु ने इस पतंग को देखा और उठा करके अपनी कुटिया में रख लिया। ये नौजवान वहां पर गया और जाकर के कहता है कि स्वामी जी महाराज, इधर पतंग आई थी। सन्यासी ने कहा, बेटे पतंग आई थी। ये नौजवान पूछता है, स्वामी जी पतंग कहां है? सन्यासी ने कहा, बेटे कुटिया में रखी है। ये नौजवान अंदर गया और जाकर के कुटिया से पतंग को निकाल लाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, रे तू पतंग भी उड़ा लेता है? ये कहता है, हां स्वामी जी, पतंग जब उड़ा लेता हूं जब कोई नौजवान ताश खेलने को नहीं मिलता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो ताश भी खेल लेता है? ये कहता है, हां स्वामी जी, जब कोई शराब आदि पीने को साथ में नहीं बैठता। कहते हैं, तू शराब भी पी लेता? कहता है, हां स्वामी जी, इसलिए जब कोई जुआ खेलने को नहीं मिलता। कहते हैं, इसने अपने को अनेकों दुर्गुण गिनाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, तुझे परमात्मा ने मानव चोला दिया था कुछ अच्छा बनने के लिए, लेकिन तू बुराइयों में फंसा है, तू मेरे पास बैठ। कहते हैं, सन्यासी की बातों का असर हुआ, रे नौजवान सन्यासी के पास बैठने लगा, योग साधना सीख गया। इसको दो चार महीने जब बीत गए तो कहने लगा, स्वामी जी मेरे परिवार भी है, मेरी माँ है, बहन है, भाई है और पत्नी है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और यहाँ तक कि मेरी माँ तो मेरे बिना रह भी नहीं सकती, पत्नी भी मेरे बिना नहीं रहती, पिताजी मेरे बिना नहीं रहते। मैं जाना चाहता हूँ उनसे मिलकर के, फिर आ जाऊंगा। स्वामी जी महाराज ने इसे समझाया, बेटे दुनिया में कोई किसी का नहीं है, माँ बाप पत्नी आदि कोई भी किसी का नहीं है, केवल तू ही अपना कर्म अपने आप भोगेगा। ये कहता है, स्वामी जी ऐसे कैसे हो सकता है? कहते हैं, अगर तुझे विश्वास नहीं तो परीक्षा कर ले। इसको कहा कि तू अपने घर में जाकर के कहना कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, और घर में ये जरूर कह देना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गुरु जी को बुला लेना, मैं वहां पर आऊंगा और आकर के तुझे दिखा दूंगा कि दुनिया में कौन तेरे साथी है। कहते हैं, नौजवान स्वामी जी महाराज की बात को मान करके गया और जैसे ही घर पहुंचा तो माँ बहुत खुश हुई, पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। पति आया, माँ ने कहा, बेटे रोटी खा लो। ये नौजवान कहता है, माँ कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। इसने कहा, नहीं बेटे कुछ तो खाना पड़ेगा। इसने कहा, थोड़ी देर में आराम कर लूं। और कहता है, मेरी तबीयत कुछ खराब है, अगर ज्यादा खराब हो जाए तो देख लेना। और यहां तक इसने कह दिया कि अगर मेरी कुछ ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो तो डॉक्टर को मत बुलाना, मेरे गुरुजी निकट में वहां कुटी पे रहते हैं, गुरुजी को बुला लेना। ये नौजवान इतना कहकर के चारपाई पे एक चादर ओढ़ करके सो गया। कहते हैं, थोड़ी देर बाद पत्नी इसकी को जगाने को पहुंची, इसने जाकर के इसका हाथ लाया, लेकिन ये तो योग साधना जानता था, प्राणायाम खींच लिया। प्राणायाम को खींच करके लेटा रहा, पत्नी ने जैसे ही हाथ उठाया हाथ नीचे गिर गया। इसने जोर जोर से शोर मचाया, माँ देखो ये क्या हो गया। सब परिवार में रोने लगे, इसकी माँ भी रोने लगी और रोते रोते एक बात कहती है पड़ोसियों से, रे एक काम करो, मेरे बेटे ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो मेरे गुरुजी को बुला लेना, इसके गुरुजी को बुला लो। कहते हैं, इसकी माँ के कहने पर गुरुजी को बुलाया। गुरुजी महाराज आए और अपने साथ में दो तीन मीठी पुड़ियां बांध कर ले आए। इन पुड़ियाओं को लेकर के ये कहते हैं, देखो तुम्हारा बेटा तो दुनिया से चला गया, लेकिन मैं ऐसी विद्या जानता हूं कि तुम्हें बेटे से प्यार है, तुम ये पुड़िया खा लो, तो पुड़िया खाने से तुम संसार से चली जाओगी, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। ये माँ कहती है, स्वामी जी महाराज मैं पुड़िया तो खा लेती, लेकिन अभी देख लो अवस्था क्या है, अभी कोई ऐसा जल्दी तो नहीं है, और भी बेटा हो सकता है। इसके पिता को कहा कि तुम ही खा लो। कहता है, स्वामी जी महाराज देख लो कोई पत्रा पंचांग आदि में, अगर मेरे कोई बेटा हो तो फिर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहते हैं, सभी के लिए पुड़िया को लेकर के चले। जब पड़ोसियों को तरफ कहा तो पड़ोसी भी उठ करके चलने लगे। अंत में स्वामी जी महाराज कहते हैं, चलो मैं ही खा लेता हूं। सब लोग कहते हैं, हाँ स्वामी जी आप खा लो, सन्यासियों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। मिली हुई बात थी, सन्यासी ने शिष्य को बता दिया था मैं ऐसे करूंगा। कहते हैं, सन्यासी ने पुड़िया को खाया और खा करके लेटे और ये नौजवान उठ गया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बताओ बेटे इस दुनिया में कौन किसका है? ये स्वामी जी कहता है कि स्वामी जी महाराज दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना पिता है, ना बेटा आदि कोई भी किसी का नहीं है, इसलिए हम संसार में आए हैं तो किसी का मोह ना करके उस परमपिता परमात्मा की भक्ति किया करें।
कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया, तूने प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया ना दो घड़िया। यम दूत पकड़ कर तुझको तेरे डालेंगे हथकड़िया, कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता तेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता यह चार दिनों का डेरा, हंसी उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पेट भरन की खातिर क्यों पापी कमाता निशदिन, इस पेट भरन की खातिर क्यों पापी कमाता निशदिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, खाकी हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है तू।
इसमें लगा ले गोता। यह सत्संग की गंगा है, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। शरण प्रभु चरणन में तू प्रीति लगा ले बंदे, अब शरण प्रभु चरणन में तू प्रीति लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, मोक्ष मिल जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ।